साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड जो है हमारा रिस्टोरेटिव मटेरियल है, जो हम कैविटी प्रिपेयर करते हैं उसके बाद जो फिलिंग मटेरियल है, दैट इज़ द डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड के अलावा हम और भी ऑप्शंस यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। हो सकता है ये वीडियो एक पार्ट में कवर हो सकते हैं या फिर इसके मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। सो डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड जो है एक प्योर फॉर्म है, एक आइडियल रिस्टोरेटिव मटेरियल है। क्योंकि क्यों एक आइडियल रिस्टोरेटिव मटेरियल है, हम डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड को क्यों प्रेफर करते हैं, सिंस लॉन्ग टाइम हम डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड को यूज़ करते आ रहे हैं, क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज उसमें टार्निश एंड कोरोजन नहीं होता है, इट इज़ टार्निश एंड कोरोजन रेजिस्टेंट होता है वो। उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है और उसकी बायो कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। दैट्स वाई उसमें टार्निश एंड कोरोजन नहीं होता है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है, उसमें बायो कंपेटिबिलिटी अच्छी होती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि हम इसके क्या डिसएडवांटेज, यू नो विद इट एवरीथिंग कम्स विद एडवांटेजेस इज विल डिसएडवांटेजेस। सो सीइंग इट्स डिसएडवांटेजेस, सो डिसएडवांटेजेस ये है कि इसके एस्थेटिक्स पुअर होते हैं। कि अपने सपोज लगाए आपका टूथ का जो कलर है, आपका जो ओरिजिनल टूथ का कलर है और जो गोल्ड का कलर है वो मैच नहीं करता, तो वो एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगेगा। सो पुअर एस्थेटिक्स होते हैं। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो मतलब जो सेंसेशंस हैं वो ज़्यादा होता है, इन नर्व सेंसेशंस मैनिपुलेशन। और गोल्ड का अगर हम गोल्ड फिलिंग कर रहे हैं तो उसका मैनिपुलेशन जो है वो भी बहुत टेक्निक बेस्ड है, आपका मैनिपुलेशन भी टफ होता है। नेक्स्ट वी कम टू प्रॉपर्टीज़। सो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो ब्रिटल हार्डनेस नंबर जो होता है गोल्ड का वो 25 होता है। इट्स इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ द ब्रिटल हार्डनेस ऑफ दी वन, जिस जनरली वन मार्क्स के लिए या नॉर्मली पूछा जा सकता है आपसे वाइवा में कि ब्रिटल हार्डनेस नंबर ऑफ द गोल्ड कितना होता है, इज इक्वल टू 25। इसकी मैलेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसको हम थिन शीट्स में कर सकते हैं। उसके अलावा इसका सरफेस ऑक्साइड जो है, लैक ऑफ सरफेस ऑक्साइड परमिट करता है वेल्डिंग ऑफ द लैक ऑफ सरफेस ऑक्साइड परमिट्स करता है कि वेल्ड कर सके गोल्ड को इनटू फॉइल्स एक दूसरे पे, जिसे हम बोल रहे कोल्ड वेल्डेड प्रॉपर्टीज। गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको कोल्ड वेल्डेड कर सकते हैं, मतलब उसको जो शीट्स है गोल्ड फॉइल्स को एक दूसरे पे शीट्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोहेजन बढ़ता है आपस में सेम मॉलिक्यूल्स। कोहेजन बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स बढ़ता है, जिसकी वजह से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होती है। तो अब एनीबडी कैन आस्क यू व्हाई गोल्ड हैविंग हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इट्स बिकॉज इट कैन बी कोल्ड वेल्डेड। कोल्ड वेल्डेड हो सकता है, इस वजह से उसका कोहेजन बढ़ता है, इस वजह से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होती है। नेक्स्ट कम टू द एप्लीकेशंस। गोल्ड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम उसको पिट्स और क्लास वन रिस्टोरेशन में। क्लास वन रिस्टोरेशन जो आपके ऑक्लूजल, जो आपके पिट्स एंड फिशर्स और पोस्टीरियर टीथ पे होता है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। क्लास वन रिस्टोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। रिपेयर ऑफ कास्ट मार्जिन, जो कास्ट मार्जिन है उसके रिपेयर में यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो आप ये यूज़ कर सकते हैं गोल्ड क्लास टू और फाइव रिस्टोरेशन, जो क्लास टू हमारी होती है ऑफ हमारे प्रॉक्सिमल एंड ऑक्लूजल सर्फेसिस ऑफ पोस्टीरियर टीथ, एज वेल एज क्लास फाइव जो जिंजाइवल मार्जिन पे प्रेजेंट होती है, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कम्स द क्लासिफिकेशन। सो डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड हम किस किस मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है गोल्ड जो है किस तरह से आता है। एक फॉइल की फॉर्म में आता है, गोल्ड की जो फॉइल्स होती है, जैसे हमारी अब आप एल्यूमिनियम फॉइल्स देखते हो, जैसे गोल्ड की फॉइल्स आती हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, जिसको मैट गोल्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेट इज मैट गोल्ड। उसके अलावा ग्रेनुलेटेड गोल्ड भी होता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है, तो ग्रेनुलेटेड गोल्ड। तो फॉइल जो होता है वो फॉइल्स भी हम बोलते हैं, फॉइल्स भी अलग अलग के में आती है, जैसे शीट्स हो गई, रोप्स हो गई, सिलेंडर्स हो गए, लैमिनेटेड हो गया, प्लेटिनेटाइज हो गया, कोहेसिव नॉन कोहेसिव शीट्स हो गई। सो दीज आर द फॉइल्स। इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट जो है, जो मैट गोल्ड है, वो हमारा मैट गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, मैट फॉइल के फॉर्म में हो सकता है, और वो एलॉयड भी हो सकता है। एंड थर्ड देयर कम्स द ग्रेनुलेटेड गोल्ड। सो तीन टाइप में हो गया, फॉइल्स के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट जिसको हम मैट गोल्ड बोलते हैं, और तीसरा ग्रेनुलेटेड गोल्ड जो पाउडर फॉर्म में होता है। अब हम देखते हैं डिटेल में गोल्ड फॉइल को। तो गोल्ड फॉइल जो है वो सबसे ओल्डेस्ट शीट्स के फॉर्म में आता है। गोल्ड फॉइल जो है वो शीट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। शीट्स दो टाइप की आती है, कोहेसिव होती है और नॉन कोहेसिव होती है। उसके अलावा रोप्स की फॉर्म में आते हैं, गोल्ड फॉइल जो है वो रोप की फॉर्म में आता है, सिलेंडर की फॉर्म में आता है, लेमिनेटेड एंड प्लेटिनाइज। अगर हम लेमिनेट देखें तो लेमिनेटेड कैसे बनता है गोल्ड फॉइल, जैसे आप एक के ऊपर एक शीट्स लगाते जाओ, कि मतलब यू प्लेस द गोल्ड फॉइल ऑन वन अबव, तो वो एक लेयर्स बन जाएंगे। तो दैट
इज़ नोन एज द लेमिनेटेड गोल्ड एंड प्लेटिनाइज्ड गोल्ड. क्या होता है, एक गोल्ड की शीट की लेयर, उसके बाद आपने उसके बीच में प्लेटिनम. तो प्लेटिनम जो है, जो शीट है, अ शीट ऑफ प्लेटिनम को हम सैंडविच कर देते हैं बिटवीन द गोल्ड, तो उसी को हम बोलते हैं प्लेटिनाइज्ड गोल्ड फॉइल. इस प्रोसेस को हम क्लैडिंग बोलते हैं. प्लेटिनाइज्ड गोल्ड फॉइल आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटिनाइज्ड गोल्ड फॉइल क्या होता है. इसमें बेसिकली प्लेटिनम की लेयर हम दो गोल्ड फॉइल्स के बीच में सैंडविच कर देते हैं. तो ये वाला जो जो सिनेरियो है, दैट इज़ बेसिकली द प्लेटिनाइज्ड फॉइल एंड लेमिनेटेड में हम जो लेयर्स अरेंज करते हैं, दैट इज़ ओनली ऑफ गोल्ड. और नेक्स्ट देयर कम्स दे आर गोल्ड फॉइल जो है वो हाईली मेलिएबल होता है. हम उसको शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. 15 mm जो है, 15 mm की जो शीट्स होती हैं वो उसको हम एनीलिंग करेंगे, और 15 to 25 micrometer जो है उसकी शीट्स, उसको हम गोल्ड फॉइल बनाते हैं. पहले जो हमारे शीट्स वो इतनी होती है, हम उसके और थिकनेस रिड्यूस करके इतनी पथिन शीट बनाते हैं गोल्ड की. ड्यूरिंग एनीलिंग जो क्रिस्टल्स है गोल्ड के, वो एलोंगेट होते हैं और वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं. जब हम एनीलिंग करते हैं उसकी, तो गोल्ड के क्रिस्टल्स एलोंगेट होते हैं और डिफॉर्म हो जाते हैं. किस तरह से सप्लाई होता है गोल्ड का, दो फॉर्म, दो नंबर की थिकनेस आती है. एक नंबर 4 थिकनेस हमारे ईव के लिए हमने दो थिकनेस में क्लासीफाई कर दिया है, नंबर 4 थिकनेस एंड नंबर 3 थिकनेस. नंबर 4 थिकनेस बेसिकली 0.51 micrometer वाली होती है, और नंबर 3 थिकनेस जो है वो हमारी होती है 0.31 micrometer की. 4 थिकनेस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें 4 ग्रेन्स होते हैं, दैट मीन्स वो इतना 0.259 gram की होती है. और पॉइंट नंबर 3 थिकनेस जो है उसमें 3 ग्रेन्स होते हैं, दैट इज़ 0.194 gram की होती है. उसके अलावा ये जो है हमारी गोल्ड जो है वो सप्लाई होती है टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइटिक एंड पाउडर गोल्ड. ये ऑल्सो शीट जो है उसको हम कट करते हैं और कंप्रेस करते हैं टू पैलेट्स एंड सिलेंडर्स. हम शीट को कट करके पैलेट्स और सिलेंडर की फॉर्म में भी कर सकते हैं. शीट जो है वो हमने बोला था दो अलग अलग टाइप की आती है, तो कोहेसिव आती है, नॉन कोहेसिव आती है, सेमी कोहेसिव आती है. कोहेसिव का क्या मतलब है कि शीट से जो कोहेसिव है, दैट मीन्स उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है, उसमें बेसिकली इनहेरिटली कोहेसिव है वो. और ऑल्सो उसमें सरफेस को कंटामिनेंट्स नहीं है. सपोज आपकी जो शीट्स है गोल्ड की, उसमें सरफेस कंटामिनेशन आ गया, तो उसमें प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, दो कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाएंगे, तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं होगी. तो कोहेसिव का मतलब है कि जब वो कोहेसिव शीट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें फ्री ऑफ सरफेस कॉन्टामिनेट्स है वो. नेक्स्ट ईयर कम्स नॉन कोहेसिव. नॉन कोहेसिव क्या होती है, उसमें अमोनिया जो है हम इंटेंशनली एड्जॉर्ब कराते हैं गोल्ड फॉइल पे. जो गोल्ड फॉइल है उस पर अमोनिया एड्जॉर्ब कराते हैं. इसकी वजह से क्या होगा कि गोल्ड फॉइल का जो है वो प्री मैच्योर कोहेजन वो नहीं होगा. जब आप स्टोरेज कर रहे हो गोल्ड का, आपको रखना है, तो उस मोमेंट पे गोल्ड का प्री मैच्योर कोहेजन ना हो, इसलिए आप अमोनिया उसको इंटेंशनली एड्जॉर्ब कराते हो. पर लेकिन लेटर ऑन क्या करते हैं, जब हमको कैविटी में उसको अप्लाई ड्यूरिंग स्टोरेज, हम ये वाला नॉन कोहेसिव ये वाली प्रोसीजर कब करते हैं, आप जब अमोनिया गैस को कब एब्जॉर्ब कराते हो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टोरेज. एंड जब आपको उसको ओरल कैविटी में यूज़ करना होता है, जब आपको टीथ में रिस्टोरेशन के टाइम पे यूज़ करना होता है, तब आप उसको अमोनिया को रिमूव कर सकते हो वाया प्रोसीजर कॉल्ड डीगैसिंग. डीगैसिंग के थ्रू कर सकते हो आप. ऑल्सो देर आर अदर मेथड्स टू और अदर एब्जॉर्बेंट, जैसे आपने अमोनिया यूज़ किया है फॉर दिस स्टोरेज ऑफ द गोल्ड फॉइल, तो आप उस केस में अमोनिया के साथ साथ आप अदर चीज़ें भी, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस भी यूज़ कर सकते हो, आयरन सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, एसिडिक गैस जैसे सल्फर और फॉस्फोरस भी यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा हम फॉइल गोल्ड फॉइल देख रहे हैं, तो प्री फॉर्म्ड फॉइल जो होती हैं वो नंबर 4 गोल्ड फॉइल की बनाती है, मतलब 4 ग्रेन्स वाली होती हैं, विच आर कार्बोनाइज्ड होती हैं या कॉरोगेटेड भी बोल सकते हैं हम उनको. प्री फॉर्म्ड गोल्ड फॉइल जो है वो 4 नंबर गोल्ड की बनी होती है. और किस तरह से बनती हैं ये प्री फॉर्म्ड गोल्ड फॉइल जो है हमारे, इसका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज कि क्लोज कंटेनर में एक गोल्ड फॉइल को हम रख देते हैं, और उस पर पेपर इज़ चार्ड बाय इग्निशन. सो वॉट हैपन्स, आप गोल्ड फॉइल को क्लोज कंटेनर में रख देंगे, एंड उसमें एक वन ऑफ द पेपर इज चार्ड बाई इग्निशन. जो कार्बन रिलीज जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा, जो पेपर से कार्बन रिलीज हुआ है वो हमारे गोल्ड फॉइल पर डिपॉजिट हो जाएगा. इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइज या चेरेड या कॉरुगेटेड गोल्ड फॉइल. वो गोल्ड फॉइल जिस पे कार्बन का डिपॉजिशन हुआ है, मीन्स बर्न से चेरेड, क्योंकि हमने पेपर को जो एक पेपर को इग्नाइज करके जो पेपर बर्न करके जो कार्बन रिलीज हुआ है वो हमारे गोल्ड फॉइल पर आया है, तो ऐसे गोल्ड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कार्बोनाइज्ड चैरेट चार पेपर या फिर कॉरुगेटेड गोल्ड फॉइल बोलते हैं. ये गोल्ड फॉइल जो होता है इसमें सुपीरियर वेल्डिंग प्रॉपर्टीज़ होती है. नेक्स्ट देयर कम्स द, ये वाला जो गोल्ड फॉइल है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अच्छी वेल्डिंग प्रॉपर्टीज़ होती है. देन देयर कम्स द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपेट. हमने बोला था कि हमारा सेकेंड फॉर्म जो है वो मेट गोल्ड है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपेटेड.
तो इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट या फिर जो मैट गोल्ड है वो कैसे बनता है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेशन हम करते हैं तो गोल्ड का, तो फिर क्रिस्टलाइन गोल्ड पाउडर बनता है। आपने गोल्ड का क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेशन किया और एक क्रिस्टलाइन गोल्ड पाउडर बना लिया। आपके पास क्रिस्टलाइन गोल्ड पाउडर है, आप गोल्ड पाउडर को सिंटरिंग करेंगे जिसकी वजह से जो है डिफ्यूज़ हो जाएंगे पार्टिकल, डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़ बिटवीन पार्टिकल्स, और हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और स्ट्रिप्स बन जाएंगी। सो थ्री फॉर्म्स में आता है मैट, जो मैट गोल्ड हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेट, वो मैट गोल्ड में आता है, मैट फॉइल में आता है, एंड एलॉइड में आता है। आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेशन किया, फिर आपके पास पाउडर फॉर्म आ गई, आपने उसको सिंटर किया, सिंटर के बाद आपके पास शेप्स आ गई, शेप या स्ट्रिप्स आ गई। ये तीन फॉर्म में आता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं मैट गोल्ड। इसमें से मैट गोल्ड जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिकली प्रेसिपिटेट होता है। और जो है ये इसको हम किस काम में कर लेते हैं, जो मैट गोल्ड है, आप इसे नाम से आप यू कैन जस्ट थिंक इट इज़ यूज फॉर बिल्डअप द इंटरनल कोर, जो हमारा इंटरनल कोर बनाने में, जैसे हम रिस्टोरेशन में इंटरनल कोर बना रहे हैं उसमें काम आता है। एज ये जो है इजीली कॉम्पैक्टेड मैट गोल्ड को आप इजीली अच्छे से कॉम्पैक्ट कंडेंस कर सकते हो और अडेप्ट कर सकते हो कैविटी के अंदर। कैविटी में इसको अप्लाई करना थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी होता है, ईजिली कॉम्पैक्ट हो जाता है, इसीलिए मैट गोल्ड जो है उसको हम इंटरनल कोर बनाने के काम में लेते हैं रिस्टोरेशन के। ऑल्सो इसको हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, इट कांट बी यूज ऑन सरफेस। सरफेस पे क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्रिस्टलाइन नेचर होता है, क्रिस्टल्स नेचर होता है इसका। सो इसकी वजह से एक होमोजीनियस जो है वो मास बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट मास बना ही नहीं पाएगा। सो इट डजेंट फॉर्म अ होमोजीनियस मास, क्योंकि क्रिस्टल्स की वजह से इसके पार्टिकल जो हैं वो बिखरे हुए होंगे। सो एक होमोजीनियस मास नहीं बना पाएगा कॉम्पैक्शन पे। सो सरफेस पर अगर हम यूज़ करेंगे तो सरफेस जो है वो अधर नहीं होगा और एक चिप ऑफ हो जाएगा सरफेस। सो दैट्स वाई हम मैट गोल्ड को इंटरनल में यूज़ करते हैं, हम इसको सरफेस पर यूज़ नहीं करेंगे। सो गोल्ड फॉइल इज़ असेंशियल ऑन द सरफेस। सो इसीलिए हम जब मैट गोल्ड यूज़ करेंगे, सो मैट गोल्ड हमने बोला ना कि क्योंकि पार्टिकल क्रिस्टलाइन है, सो व्हेन यू फिल्ड इट इंटरनल कोर, उसके बाद आप एक गोल्ड फॉइल अप्लाई करते हो ऊपर से एक विनरिंग की तरह, बिकॉज इफ़ यू डोंट अप्लाई दैट गोल्ड फॉइल अदरवाइज दैट मैट गोल्ड विल बी चिप ऑफ दैट्स वाई। सो दिस इज़ अ मैट गोल्ड, आई होप यू दिस इज मैट गोल्ड इज़ क्लियर टू यू कि मैट गोल्ड इंटरनल रिस्टोरेशन के काम में आता है, क्योंकि और हमको इसको गोल्ड फॉइल से फर्दर कवर करना पड़ेगा बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर क्रिस्टलाइन नेचर, दैट्स वाई दे कांट फॉर्म अ होमोजीनियस मास। दैन देर कम द मैट फॉइल। मैट फॉइल इफ वी सी, मैट फॉइल जो है वो गोल्ड पाउडर जो है सैंडविच होता है इसमें नंबर थ्री फॉइल, जो नंबर थ्री, जो थ्री ग्राम जो है नंबर थ्री वाला है, थ्री ग्रेन्स वाला, उसमें गोल्ड पाउडर को सैंडविच करते हैं नंबर थ्री गोल्ड फॉइल में। एंड अब सैंडविच क्यों कर रहे हैं आप, जैसे दो गोल्ड फॉइल है, दो गोल्ड के फॉइल के बीच में हमने गोल्ड पाउडर को सैंडविच किया, क्या सेंस हुआ इसका? तो इट्स बेसिकली इट्स इससे होता यह है, सैंडविचिंग करने से एलिमिनेट हो जाता है जो नीड ऑफ वीनियर टू द रिस्टोरेशन विद गुड गोल्ड फॉइल अनलाइक द मैट गोल्ड। जैसे हमने मैट गोल्ड में हमने हमको ऊपर से गोल्ड फॉइल को वीनियर करना पड़ा था, तो जब हम सैंडविच करेंगे तो हमारी ये नीड खत्म हो जाती है कि हमको ऊपर से उसको वीनियर करना पड़े मैट फॉइल। इसलिए हम मैट फॉइल के बीच में हम अगर पाउडर गोल्ड यूज़ करें एज अ सैंडविच तो हमारी जो वीनियरिंग की नीड है वो ख़त्म हो जाएगी। देन देयर कम्स द एलॉयड इलेक्ट्रोलाइटिक पीपीटी, जो एलॉयड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेट। तो एलॉय ऑफ गोल्ड और कैल्शियम का जो होता है इसके अंदर, जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक अलॉय है, अलॉय बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। सो अलॉय जो है वो अलॉय होता है ये गोल्ड प्लस कैल्शियम का 0.1% जैसे 0.5% बाई वेट, इसको हम इलेक्ट्रोलोय आर वी बोलते हैं। इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय सैंडविचिंग गोल्ड और कैल्शियम, गोल्ड प्लस कैल्शियम को करते हैं बिटवीन द टू गोल्ड फॉइल। आपने दो गोल्ड फॉइल के बीच में गोल्ड प्लस कैल्शियम का होमोजीनियस जो मिक्सचर है उसको आपने लगा दिया। जैसे हमने मैट फॉइल में क्या किया था, हमने दो गोल्ड फॉइल के बीच में हमने अप्लाई कर दिया था गोल्ड का पाउडर। मैट गोल्ड जो है, मैट गोल्ड में हमने, मैट गोल्ड इज प्रॉपरली क्रिस्टलाइन था। एंड देन देयर कम्स एलॉयड गोल्ड। तो एलॉयड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेट में और दो गोल्ड फॉइल के बीच में हमने क्या अप्लाई किया, हमने किया अलॉय ऑफ द कैल्शियम एंड गोल्ड, वो अप्लाई किया, सैंडविच कर दिया, क्योंकि कैल्शियम जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन आते हैं। हमने एक क्लासिफिकेशन देख लिया शीट्स के फॉर्म में, दैट इज गोल्ड फॉइल के फॉर्म में। सेकेंड हमने देख लिया इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट, जो हमारा मैट गोल्ड था, गोल्ड मैट फॉइल था एंड एलॉयड प्रेसिपिटेट था।
उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज़ अ पाउडर्ड गोल्ड। पाउडर गोल्ड जो होता है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड आइदर बाय द केमिकल प्रेसिपिटेशन से प्रिपेयर होता है ये, या फिर इसको हम एटोमाइजेशन करते हैं मेटल का। तो आप ये याद रखें ना, पाउडर गोल्ड किस तरह से प्रिपेयर होता है, या तो हम इसको केमिकल प्रेसिपिटेशन से प्रिपेयर करते हैं या फिर एटोमाइजेशन ऑफ मेटल से फाउन पाउडर। पाउडर गोल्ड जो है वो फाइन पाउडर होता है, 15 माइक्रोमीटर से 74 माइक्रोमीटर का पाउडर गोल्ड। आप पार्टिकल साइज कितना होता है पाउडर का, बहुत ही फाइन पार्टिकल हम देख सकते हैं, 15 माइक्रोमीटर से 74 माइक्रोमीटर का पाउडर साइज होता है। अवेलेबल किस फॉर्म में अवेलेबल होता है पाउडर गोल्ड जो है, तो वो गोल्ड पैलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसका डायमीटर 1 से 2 mm होता है। इसको हम जो होता है पाउडर गोल्ड पैलेट में बेसिकली गोल्ड होता है, जो गोल्ड गोल्ड होता है पाउडर गोल्ड, साथ में वैक्स मिला हुआ होता है। तो एक आप देख सकते हैं, आप यू कैन इमेजिन अ काइंड ऑफ थिक सब्सटेंस पाउडर गोल्ड प्लस वैक्स प्रेजेंट होता है गोल्ड फॉइल में, इट एक्ट एज अ मैट। उसके बाद हम उसको वापस सेम जैसे हमने गोल्ड हमने मैट फॉइल में देखा था, हमने उसको विनर किया था, सो यहाँ पे भी हम उसको प्रेजेंट होता है गोल्ड फॉइल के बीच में ये सब गोल्ड पैलेट, और गोल्ड फॉइल बेसिकली यहाँ पे मैट्रिक्स की तरह काम करता है। गोल्ड फॉइल जो होता है उसमें गोल्ड फॉइल से गोल्ड फॉइल का टू पाउडर रेशियो कितना होता है, 1:3, एंड क्योंकि हमने एक पूरी गोल्ड फॉइल अप्लाई की है अंदर द पाउडर रेशियो 1:3, और ये स्मॉलेस्ट पैलेट होती है, और 1:9 जो है वो लार्जेस्ट पैलेट होती है। पैलेट का यूज़ कहाँ आता है, हम कब पैलेट यूज़ करते हैं, पैलेट का यूज़ है कि इसका कोहेजन जो होता है वो इंक्रीज़ कर देता है। कोहेजन हाई कोहेजन होता है ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन, जब आप कंडेंस करोगे आप कॉम्पैक्ट करोगे तो उसका हाई कोहेजन होता है, उसमें टाइम कम चाहिए होता है रिस्टोरेशन को प्लेस करने में। अगर आप पैलेट यूज़ करोगे तो आपको टाइम कम चाहिए होगा गोल्ड को प्लेस करने के लिए, और ये 10 times मोर मेटल होता है बाय वॉल्यूम, इट इज़ 10 times मोर मेटल देन द बाय वॉल्यूम। अब हम मैनिपुलेशन देखते हैं, हम गोल्ड जो है उसका मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। तो एक दो मेथड्स होते हैं, डीगैसिंग और दूसरा होता है कॉम्पैक्शन। मैनिपुलेशन ऑफ गोल्ड बाय 2 methods, डीगैसिंग डिजॉल्विंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क इट स्टार्स। डीगैसिंग डिसॉल्विंग एंड अनदर इज कॉम्पैक्शन। डीगैसिंग या डिसॉल्विंग क्या होता है, एज ड्यूरिंग स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ गोल्ड, जब आप गोल्ड का स्टोरेज और पैकिंग करते हो गोल्ड को, हम जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हम स्टोरेज ऑफ टाइम पे हम उस पर अमोनिया अप्लाई करते हैं, अमोनिया की एड्जॉर्ब कराते हैं, सल्फर की इंटेंशनली हम एड्जॉर्ब कराते हैं ताकि वो उसका प्रिवेंट कर सके वो फ्यूजिंग में, दैट इज़ हम उसको प्री मैच्योर कोहेजन ना हो सके उसका। अगर लेकिन अब हमको जब उसको ओरल कैविटी में हम उनको गोल्ड को कैविटी में लगाना है, रिस्टोरेशन करना है, तब आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ दीज गैसेज जो है बिफोर प्लेसिंग इन द ओरल कैविटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी गैसिंग, गैस को रिमूव करना, इज रिमूवल ऑफ दीज गैसेज बिफोर प्लेसिंग इट इन द ओरल कैविटी नोन एज डी गैसिंग या डिसॉल्विंग। सो इसको हम दो मेथड से करते हैं। आप डी गैसिंग, आपको गैस हटानी है, आप दो मेथड से हटा सकते हो, एक तो बल्क में हटा सकते हो और दूसरा पीसेज में हटा सकते हो। बल्क में हटाएंगे हम गैस फ्लेम या इलेक्ट्रिसिटी से, और पीसेज में हटाएंगे हम एल्कोहल फ्लेम से। गैस फ्लेम या इलेक्ट्रिसिटी से हम ऑल फॉर्म ऑफ गोल्ड को हटा सकते हैं, कैन बी डी गैस्ड वाया दिस मेथड, सारी तरह के गोल्ड को हटा सकते हैं, चाहे वो मैट गोल्ड हो, मैट फॉइल हो, पाउडर गोल्ड हो, कोई भी गोल्ड, गोल्ड पैलेट हो, कोई भी गोल्ड हो, हम बल्क वाले मेथड में गैस फॉइल जो है, गैस फ्लेम जो है, इलेक्ट्रिसिटी, इससे हम हटा सकते हैं कोई भी सारे फॉर्म ऑफ गोल्ड को। और पीसेज वाला जो मेथड है एल्कोहल फ्लेम से, एल्कोहल फ्लेम से हम फिर पाउडर गोल्ड को डीगैस कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन से मेथड से आप सब टाइप की गोल्ड हटा सकते हो। तो हम गैस फ्लेम या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो मेथड है, बल्क वाला जो मेथड है, उससे हम सारे टाइप के गोल्ड को रिमूव डीगैस कर सकते हैं, लेकिन जो एल्कोहल फ्लेम वाला जो मेथड है उससे हम केवल पाउडर गोल्ड को पाउडर गोल्ड को डीगैस कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक एनीलिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनीलिंग जो है वो 340 से 370 डिग्री पे करते हैं हम, इसमें 5 से 20 minutes के लिए टेम्परेचर जो है वो 315 डिग्री से कम एडिक्वेट नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है इलेक्ट्रिक एनीलिंग की, पैलेट्स स्टिक हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जो पैलेट्स हैं वापस में स्टिक हो जाएंगी, अनयूनिफॉर्म एयर करंट्स होते हैं, ओवर सेंटरिंग हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है, साइज सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देयर कम्स अ फ्लेम डिसॉर्प्शन, फ्लेम डिसॉर्प्शन जो हमने देखा था, सेकंड इज अ फ्लेम डिसॉर्प्शन। एक तो हमने गैस फ्लेम या इलेक्ट्रिसिटी जो देखा, जो हमें इलेक्ट्रिक एनीलिंग की बात कर रहे हैं हम, इसमें हम 340 से इतना टेम्परेचर ये यूज़ करते हैं, इसमें ये दिक्कतें ये आती हैं, अब बल्क में कर रहे हो लेकिन इसमें दिक्कतें ये आएंगी। एंड दूसरा आएगा फ्लेम डिसॉर्प्शन,
जो हम अल्कोहल के थ्रू करते हैं, ईच गोल्ड पीसेस जो है, गोल्ड पीस को हम हीट करते हैं डायरेक्टली ओवर द फ्लेम. आप जो फ्लेम है अल्कोहल फ्लेम है उस पर आप डायरेक्टली हीट करते हो. फ्यूल फॉर द फ्लेम जो है वो अल्कोहल यूज़ करते हो या फिर गैस यूज़ करते हो, जो और अल्कोहल जैसे हम प्योर मिथेनॉल या फिर इथेनॉल यूज़ करते हो. एडवांटेजेस क्या है अल्कोहल वाले के, कि इसका साइज सिलेक्शन वो कर सकते हैं हम, डिसॉप्शन ऑफ सेलेक्टेड पीसेज. आप जो आपको जहाँ जहाँ आपको डिसॉप्शन करना है, मतलब रेंडम आपको पर्टिकुलर ऑफ चॉइस पीसेज जहाँ आप डिसॉप्शन कर सकते हैं. कॉन्टामिनेशन कम होता है इस मेथड से. आप एक लिमिटेड एरिया में करेंगे, अगर आप पीसेज में करेंगे तो इससे कॉन्टामिनेशन कम होगा. ऑल्सो इसमें से साइज इन कम चांसेस होंगे ओवर सिंटरिंग के. जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक वाले मेथड से देखेंगे तो हमारे चांसेज ओवर सिंटरिंग के ज़्यादा थे. इस डिसएडवांटेजेस अगर देखें अल्कोहल वाले से, तो इससे अंडर हीटिंग, इससे प्रॉपरली हीट नहीं जाएगी. जहाँ पर अंडर हीटिंग होगी इम्प्योरिटी जो है वो रिमूवल ज़्यादा नहीं हो पाएगी. इनकम्प्लीट कोहिजन होगा क्योंकि हमारी हीट ही कम जा रही है. एंड पुअर कम्पेक्शन हो सकता है क्योंकि हम एक लिमिटेड पीसेस में कर रहे हैं, बल्क में नहीं कर रहे. दैट्स व्हाई. एंड हमने एक मेथड देखा, आप डीगैसिंग कर सकते हो अपने जो फ्लेम. एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप या गैस फ्लेम के थ्रू, आप गैस फ्लेम या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर सकते हो. और दूसरा हमने अल्कोहल फ्लेम के देखा था. ये हमारे डीगैसिंग मेथड हो गए. और डीगैस एंड दूसरा हमारे है कॉम्पैक्शन मेथड. कॉम्पैक्शन के थ्रू आप कैसे वो गैस रिमूव कर सकते हो, कॉम्पैक्शन के थ्रू आप कैसे रिमूव कर सकते हो. सो मैं गोल्ड का मैनिपुलेशन, बेसिकली गोल्ड जब आप करते हो तो हैंड मैलेट होता है, न्यूमैटिक वाइब्रेशन कंडेंसर, इलेक्ट्रिकली ड्राइवन कंडेंसर. सो ये सब मेथड्स हो गए. हैंड मैलेट जो होता है उसमें कंडेंसर होता है, वाया कंडेंसर एक विद कंडेंसर होता है जिसमें एक स्मॉल मैलेट लगा हुआ होता है. जो गोल्ड फॉइल इज कॉम्पैक्टेड इन दिस कैविटी, गोल्ड फॉइल कॉम्पैक्ट होता है इन द कैविटी. सब्सिक्वेंटली और लेयर्स हम एडेड कर सकते हैं टू फिल इन द कैविटी. कंडेंसर जो है वो स्मॉल, और जो हमारे दूसरे मैकेनिकल मेथड्स हैं जो न्यूमैटिक वाइब्रेटरी कंडेंसर एंड इलेक्ट्रिकली ड्राइवन कंडेंसर, इसमें स्मॉल पिरामिडल सीरेशंस होते हैं फेस पे जो प्रोवाइड करते हैं लेटरल फोर्सेस ऑन देयर इंक्लाइन एंड ऑल्सो डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्सेस. ऑल्सो अलाउ करते हैं एयर को एस्केप करना. जब हम कंडेंस कर रहे हैं तो वो एयर एस्केप करने देते हैं. और साइज ऑफ कंडेंसर पॉइंट जो है, जैसे मतलब एक जो है वो 1 mm का होता है, 2 mm का होता है. 2 mm है उसको लार्जर एरिया कवर करना होता है, इसलिए उसका फोर्स भी कम होता है. और 1 mm का जो कंडेंसर है उसको कम एरिया कवर करना होता है, दैट मीन्स उसका फोर्स भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है वहाँ पर. हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पैक्टेड गोल्ड. गोल्ड की कॉम्पैक्टेड गोल्ड जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कॉम्पैक्टेड गोल्ड आता है. हमारे हमने दो मेथड देखे थे, मैनिपुलेशन कॉम्पैक्शन एंड डीगैसिंग एंड कॉम्पैक्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पैक्टेड गोल्ड, डेंसिटी जो है, जो डेंसिटी देखे तो डेंस गोल्ड लेयर्स होती है वो ओरिएंटेड होती है परपेंडिकुलर टू द कंडेंसेशन फोर्स. कॉम्पैक्टेड गोल्ड हम जैसे देख सकते हो वो काफ़ी डेंस होता है. डेंसिटी जो है इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ. इफ इट इज़ मोर डेंस तो हमारी गोल्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी. इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दैट मीन्स हमारी डेंसिटी ज़्यादा होगी. स्ट्रेंथ जो है वो किससे अफेक्ट होती है, पोरोसिटी से. अगर पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी गोल्ड, कॉम्पैक्टेड गोल्ड की. वॉइड्स इंक्रीज कोहोजन, अगर इंक्रीज कोरोजन जो होगा, वॉइड्स किस वजह से आ सकते हैं, अगर कोरोजन ज़्यादा है, प्लैक एक्यूमुलेशन हो गया है, ग्रॉस लीकेज हो रहा है, तो लीकेज हो रहा है तो उस वजह से वॉइड्स बन सकते हैं कोरोजन की वजह से, प्लैक एक्यूमुलेशन की वजह से. अगर हमारी सेकेंडरी कैरीज हो गई हैं तो वहाँ पे हमारे वॉइड्स बन सकते हैं. ऑल्सो सो दीज आर द थिंग्स. एंड उसके अलावा लास्ट थिंग, दैट इज़ अ हार्डनेस. अगर हमारी हार्डनेस जो है हमारी कम हो जाएगी, अगर हमारी पोरोसिटी ज़्यादा है तो मोर द पोरोसिटी, हमारी हमारा जो मटेरियल है, हमारा कॉम्पैक्टेड गोल्ड है, उसकी हार्डनेस भी कम होगी. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड मैनिपुलेशन ऑफ द गोल्ड. ऑल्सो द डीगैसिंग, डिजॉर्बिंग, इलेक्ट्रिक एनीलिंग, फ्लेम डिजॉर्प्शन, ऑल दिस थिंग्स. अगर आपको किसी में भी डाउट्स है सो यू कैन आस्क मी. सो दिस डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड इज ओवर. एंड फॉर मोर क्वेरीज यू कैन मैंशन इन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो फील फ्री टू आस्क मी ऑन द इंस्टाग्राम, विच इज़ माई गिव लिंक गिवन बिलो. ऑल्सो इन द अबाउट सेक्शन यू कैन चेक माई आईडी स्वैप अग्रवाल 14. एंड बाय गाइज, कीप लर्निंग, कीप स्टर्निंग. आई विल ब्रिंग मोर वीडियोज लाइक दिस. यू कैन रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक का चाहिए. आई विल बी प्रिपेयर विद दैट वीडियो. Bye-bye, guys.